बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली योर मैथ टीचर। आज बेटा 27 जनवरी है और यूनिट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का जो नेम है वो है रियल नंबर्स। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा बेटा। इसमें हमने जो कुछ सीखना है वो हम देख लेते हैं और कुछ चीज़ें अंडरलाइन मैंने करवानी है बेटा, वो आप अभी अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले यहाँ एक डेफिनेशन है पेज नंबर 17 पर, इरेशनल नंबर्स। तो बेटा ये डेफिनेशन आपने अंडरलाइन करनी है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी, जी मीन इंटीजर्स हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। बेटा ये आपको याद होगा 7th में हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें ये होता था कि वो नंबर्स इंटीजर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर कहलाते हैं, और अगर उनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें तो बेटा वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। उसकी एग्जांपल्स भी हैं, जैसे 2 का स्क्वायर रूट है, उसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से बेटा 5 का स्क्वायर रूट ओवर 7 यहाँ पर आप बुक में देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इरेशनल नंबर को क्यू प्राइम से जाहिर किया जाता है, जैसा कि यहाँ बेटा आप बुक में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का यूनियन ले लिया जाए तो जो सेट हमारे पास आएगा, नंबर जो हमारे पास आएंगे वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू प्राइम इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर एंड इज डिनोटेड बाय आर, आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। उसके बाद देखिए बेटा पेज नंबर हम 18 पर आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन आप अंडरलाइन करेंगे, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर फाइनाइट और वाइल कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन डिवीजन प्रोसेस एंड्स, यानी हम उनको डिवाइड करेंगे तो डिवीजन प्रोसेस एंड्स हो जाएगा, तो उसका मतलब है वो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और अगर प्रोसेस एंड ना हो तो बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 19 पर ये आपको लास्ट में एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा नोट, ये आपने अंडरलाइन करना है, द डेसिमल विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ये भी एक उसकी डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की। अब हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये काम बेटा हम 7th क्लास में भी कर चुके हैं। दो नंबर आपको गिवन होंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, आपने उनको डिवाइड करना है और बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सो सिंपल, जैसे इस सवाल में आप देख सकते हैं 3/5, तो बेटा इस सवाल में आपने देखा है कि ऊपर जो नंबर है न्यूमिनेटर में वो है 3, वो आप लिखेंगे डिवाइड का साइन बनाएंगे, 5 जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि 3 चूंकि एक छोटा नंबर है, हम यहाँ बेटा पॉइंट लगाएंगे और 0 भी साथ लगाएंगे 3 के, और यहाँ आप शुरू में भी 0 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो 5 का टेबल आप पढ़ेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। तो बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, आंसर 0 आ जाएगा, इसकी डिवीजन फर्दर नहीं होती, तो ये इसका आंसर है 3/5 = 0.6। अब सवाल में चूंकि बताया पूछा गया है कि आपने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि बेटा इसका डिवीजन प्रोसेस है एंड्स हो गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हम चलते हैं इसके 6 पार्ट की जानी, 8/5, यहाँ भी हम उसी तरह से काम करेंगे, 8 को बेटा अंदर रखेंगे, डिवाइड का साइन बनाएंगे, 5, अब चूंकि नंबर 5 से बड़ा है तो आप यहाँ 5/5 लिखेंगे, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 5 6 30। तो यहाँ भी देखेंगे डिवीजन का जो प्रोसेस है वो एंड हो गया और इसका आंसर आया 8/5 = 1.6। तो ये भी बेटा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ये आंसर आगे मतलब आता जाता डिवीजन प्रोसेस एंड ना होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इसमें ये सवाल के बताया गया है, पूछा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन
डेसिमल फ्रैक्शन में भी करना है, यानी पॉइंट में आपका आंसर आना चाहिए, एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जो डिवाइड करके आंसर आएगा आपका वो दोबारा दोबारा वही आता रहे, अगेन अगेन अगेन, और अगर वो नहीं आता चेंज होता है तो वो नॉन रिपीटिंग है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, सिक्स पार्ट है क्वेश्चन नंबर टू का, 8/9, आपने 8 लिखना है, अंदर डिवाइड का साइन 9, आप देखें चूंकि छोटा नंबर है 8, 9 से, तो आपने बेटा जीरो लगाने, पॉइंट लगाने और यहाँ भी जीरो लगाना, जैसा कि आप छोटी क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं। तो 9 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे बेटा 72, 8 आएगा आंसर, फिर दोबारा बेटा जीरो लगाएंगे क्योंकि पॉइंट हम लगा चुके हैं, फिर जीरो, फिर देखें बेटा 9 8 72, अगेन 9 8 72, इस तरह ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और ये देख भी सकते हैं कि बेटा यार 8 जो है बार बार आ रहा है, तो ये आपका रिपीटिंग डेसिमल है। इसी तरीके से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने करना है। अगर आपको कोई बात कहीं से समझना है तो मुझसे रابطہ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।